पता नहीं किस टाइप का हैक हुआ है, कुछ मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे को तकलीफ ये नहीं है कि हैक हो गया, मैं अभी तक का जो स्टोरी मेंटेन किया था ना, जगह जगह जा करके वो इमोशंस जो लोग मिले थे वो सारी चीजें ना सब खत्म हो गए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। बढ़िया से एक नए नए ब्लॉग में शुरुआत कर रहे हैं, मुंह धो के एकदम तबाही टाइप का। और कल हम लोग मस्त इस क्या बोलते हैं इसको, नर्सरी में रुके हुए थे, यहाँ पे एकदम मस्त मच्छर जाने लगा के सोए थे। और अभी थोड़ा हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करके ही निकलना चाहिए, सुबह सुबह योगा वगैरह करना चाहिए। तो बढ़िया एकदम एक नंबर योगा वगैरह, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा नाचेंगे, उसके बाद निकलेंगे चाय वगैरह पी के। तो फाइनली गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी एकदम तबाही टाइप का। और भैया लोग कल हमको रात को खाना खिलाए थे एक नंबर, तो थैंक यू सो मच भैया, एकदम एक नंबर है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया यार। और फाइनली निकलते हैं, चलो एक बार नाच दो फिर, आप तीनों को एक बार नाच दो, म्यूजिक बाद में लगा देना। आइए थोड़ा ऐसे 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 करिए। माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे, मंगरी कर भाटी में माल पिएंगे, माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे। हम लोग जा रहे हैं अभी यूपी लखनऊ। हाँ जी पैदल, हम लोग पूरा भारत पैदल करेंगे। चाय पीजिएगा, चाय खोज रहे हैं, पर अभी यहाँ तो समय लगेगा ना शायद। और चलिए 5 मिनट तो कुछ मिलेगा तो खा भी लेंगे। अरे तुमसे धक्का मार के नहीं हटाया जाएगा। ओए ए हेलो, ओए ए तुम धरती नहीं ला पाओगे धक्का मार के। हेलो धक्का मार के धरती लाने के चाह रहे थे। हेलो भैया, मेरा नाम हुआ विवेक दुबे। सौरभ, सौरभ आपका नाम है जी। अभी कुछ हम एकदम एकदम नया ट्राई करने वाले हैं, जो कि भैया की तरफ से है। ये है दही बूंदी, कैसा लग रहा है? जब ब्लॉक करते तभी टै 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 करते रहता है, कैसा लग रहा है? एक नंबर पक्का। नहीं लगेगा क्यों? मीठा नहीं है, खट्टा मीठा है वो। पूरा खाओ फिर इसको। पूरा खाऊंगा ही नहीं, दही दही खा लिया। क्या क्या है इसमें, क्या दिख रहा है तुमको? बूंदे बूंदे दिख रहा है, ऊपर में दही था। कल बढ़िया से एक नंबर हम लोग निकल तो गए थे, बट कुछ कारणवश नहीं अच्छा लग रहा था, रुकने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमको कुछ लोग इनवाइट किए थे। जैसे पहले जो दही पिलाए थे वो अंकल लोग, वो कांटेक्ट दिया राजा भैया, राजा दुबे यहाँ के जो बहुत बड़े हैं, उन्होंने हमें ये एक रूम दिलाया था जहाँ पे हमने बहुत बढ़िया से आराम किया था। पूरा दिन सोए हैं, अभी सोचे थे कुछ कुछ काम करेंगे, पर जो आए हैं रूम पे उसके बाद जो सोए हैं, मतलब सुबह कितने बजे, 9 बजे 10 बजे हम लोग आ गए थे रूम शायद ना, 10 बजे से जो सोए हैं सीधा 7 बजे उठे हैं शाम को, समझ लो किस लेवल पे हम लोगों की थकान होगी। चल झूठा, ये एंजल नाम देख के किसको किसको मिस एंजल फेसबुक की याद आ रही है, जो लड़कों को फंसाया करती है और गंदे गंदे काम कराया करती है वही है। ये नहीं, ये नाम से बहुत सारा ऐसे बना हुआ था। यहाँ पे कुछ खाएंगे और मस्त फ्रेश होंगे, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश हुआ नहीं जाता है बिना नहीं हुआ जाता है। तो अभी थोड़ा सा करेंगे, मस्त फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। 5-6 किलोमीटर चल लिए हैं। ओ क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई, भाई 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 का पैर चला गया भाई। अरे बाप रे, कैसे चलेंगे भाई? टट्टी कर रहा था ना, वहां से उठा, पैर मुड़ा, अभी एक कदम बढ़ाने में ना हालत खराब हो रही है, एक कदम नहीं बढ़ा पा रहा। तो गाइस जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे, ये टट्टी करते करते इनके पैरों की हालत खराब हो गई, तो आप अगर टट्टी करते हैं तो आराम से करिएगा, नहीं तो पता चले आपका पैर भी ऐसा हो जाए। काहे टट्टी करते करते ही सब कैसे टट्टी कर रहा था, नाच नाच के कर रहा था। जगह देख रहे हो, जगह दर्द इतना है कि कोई जगह नहीं भैया, ये है जगह गाइस, कहीं भी बैठ गया इतना दर्द हो रहा है इसको गाइस, और इसकी ऐसी तैसी हो गई पैर की गाइस। चलना 27 किलोमीटर। कुछ बदल गया रे, क्या हो गया रे? सब कुछ बदल गया रे, हालात बदल गया, जज्बात बदल गया, दिल को ठेस पहुंचा। हुआ क्या, ब्रेकअप हो गया क्या? ये हो गया भाई, वो कोई बंजारा जी देश दिख रहा है इंस्टाग्राम इधर दिख रहा है, इंस्टाग्राम में कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एड नेम का ऑप्शन आ रहा है। इसमें मेरा 350 से ज्यादा पोस्ट था, 4,500 फॉलोअर था, और यहाँ पे था बंजारा जितेज ऑफिशियल,
मतलब बढ़िया स्टोरी था, डे फर्स्ट से लेकर के डे 607 दिन तक, मतलब समझ रहे हो, डे फर्स्ट से लेकर के अभी तक का पूरा स्टोरी था। और पता नहीं मेरा अकाउंट अब अपने आप खत्म हो गया। मेरे को तकलीफ ये नहीं है कि हैक हो गया, मेरे को तकलीफ ये हो गया कि जो मैंने मेंटेन की थी ना स्टोरी डे फर्स्ट से लेकर के अभी तक का, वो सब कुछ चला गया हुआ है। जो पहले दिन से अभी तक का जो स्टोरी मेंटेन किया था ना, जगह जगह जा कर के वो इमोशंस, जो लोग मिले थे, वो सारी चीजें ना सब खत्म हो गया पल भर में। सब खत्म हो गया आरोही, खत्म हो गया आरोही। थोड़ा रिकवर करके देख, थोड़ा पासवर्ड वगैरह चेंज करके देख। देखना इधर देख। दिखा रहा हूँ तो सेटिंग में गए, सेटिंग भी नहीं हो रहा है। पता नहीं किस टाइप का हैक हुआ है, कुछ मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ उसमें। हेलो गाइस, जय हिंद। तो यात्रा, पैदल की यात्रा मतलब आ गई हमारी। तो अभी हम लोग हैं चंदवा में, निकल चुके हैं। आज का दिन हमारा 607। हम ऐसे स्टोरी डालते थे भाई। हम बैठे अभी दुकान पे, हम लोग थोड़ा सा थक गए हैं, तो अभी भाई ब्लॉग बना रहे हैं और मैंने मंगा लिए स्टिंग। और जो कि स्टिंग नहीं पीना चाहिए, रोज रोज नहीं पीना चाहिए, रोज रोज दो तीन टाइम तो पी लेता है, नहीं पीना चाहिए। और मेरा भाई जो है ना, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मेरा आईडी जो है वापस आ जाए। और किस नाम से हो गया है भाई? आदर्श के नाम से हो गया मेरा आईडी भाई। गाइस क्या हो गया गाइस, और मैं डिटेल नहीं दिखा सकता आपको, वो पूरा फिल कर रहा है। तो भाई पूरी जद्दोजहद कर रहा है कि मेरा अकाउंट वापस से आ जाए तो अच्छी बात है। लेजेंड सर, आप ही लोग के लिए इतना सारा नहीं खा पाएंगे, आओ साथ में बैठ के। नहीं दो, कितना आप दो, तो चार आप ही लोग के लिए, सात आप लोग के। इंस्टाग्राम पे हम देखे थे, देखे थे, शुक्रिया। बट बैठो यहाँ पे और साथ में खाते हैं, बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर भगवान हमको पनाह देने के लिए, बढ़िया सा छाया देने के लिए। और यहाँ पे हम लोग मस्त घोलंड के सोए थे, अपने इंस्टाग्राम आईडी का गम मनाते हुए सो नहीं पाया मैं, तो पेल के सोया राजा। चलो चलो लातेहार चलते हैं। चलो भाई लातेहार चलते हैं, लातेहार में भी एकदम मस्त व्यवस्था वगैरह हो गई, कोई दिक्कत है नहीं। फाइव स्टार होटल है भाई, लातेहार में फाइव स्टार होटल मिला है जो बकर करते हैं ना, जब करो तभी करते हैं ना, एकदम हमेशा हमेशा का देख लेना, जब ब्लॉक करते हैं तभी टै टै पै पै। इतने देर तो कुछ नहीं हो रहा, शांति से लेटे हुए थे अपन, जैसे ब्लॉक शुरू किए। गाइस यहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला है और हमारी हालत खराब होने वाली है। अभी टाइम हो गया 5 और अभी बहुत भयंकर बारिश होने वाली है, बहुत जोर का हवा चल रहा है यहाँ पे। और ये बात कर रहे हैं रिद्धि से, रिद्धि इसके लिए कुछ बना के दे रही है, दिखाओ। तो ये बहुत खराब लग रहा है, ऐसा अजीत शर्मा का कहना है, लेकिन वो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, दो कान लग रहा है। और क्या मम्मी, बारिश हो गई मम्मी, बहुत बारिश हो गई और शेल्टर नहीं मिल रहा है मम्मी, कोई शेल्टर नहीं है, बहुत बारिश तक बढ़ गया गाइस, बढ़ गया है। अरे आप फंस जाएंगे यार, अरे बारिश बढ़ गई मम्मी, शेल्टर मिला। किस्मत देख रहा, किस्मत कितना अच्छा है। ओ भाग तू, भाग मिल्खा, ये फाइनली मिल गया, मिल गया हमें, सेंटर मिल गया हमें। ओह माय गॉड, हालत खराब। ओह माय गॉड, मैं तो दूसरी बार थक गई और मैं तीसरी बार। किससे संपर्क करें? भगवान से, सीधा भगवान से संपर्क। तो इसलिए इस पर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। अच्छा, नहीं चलाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, ये देश का युवा भैया। छोटा सा बेट, नहीं भाई छोटा भाई, नहीं नहीं भाई, हम लोग की तरफ से, हम लोग की तरफ से ले लीजिए भैया, एक रास्ता में भैया ले, अरे ले लीजिए छोटा सा बेटा। तो ऐसा करो, ऐसा करो, अभी खोला नहीं है इसको, छोटा वाला ला लो। छोटा ही है, नहीं छोटा है, इससे छोटा नहीं है, इससे छोटा आता है भाई, हम पी ही नहीं पाएंगे। आप लोग दो लोग हैं, हम वही कर रहे हैं, दो लोग हैं आप लोग, दो लोग पी लेंगे आप तो सब पीते हैं। देखिए ना, देखिए देखिए, गेम से जरा ले लीजिए, रखिए रखिए। तुम पिया नहीं भाई, बता रहा हूँ, पिएंगे पिएंगे, सीट पैक है। अरे सीट पैक का दिक्कत नहीं है, हम लोग कोल्ड ड्रिंक छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, पर्यावरण का जागरूकता के लिए हम निकले हुए हैं। छत्तीसगढ़ कहाँ से? रायपुर, रायपुर। तो इसलिए हम बोल रहे हैं छोटा वाला हो जाएगा भैया, दो लोग हैं, दो लोग हैं, हो जाएगा, जब हो रहे कैसे तो पियो।
तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए, जगह का नाम क्या भैया बता दीजिए, लातेहार पहुंच गए और भैया हम लोग को लेने आए थे और हम मस्त आ गए हैं। ये कहाँ पहुंच गए? आसू जिला अध्यक्ष अमित पांडे पे। हाँ तो एकदम वहीं पे पहुंच गए। बोलो पता नहीं भैया, आसू जिला अध्यक्ष भैया भी हमारे साथ हैं। जो कहाँ भैया चले गए? भैया चले कहाँ है? भैया चले गए क्या? थोड़ा आइए ब्लॉग में हमारे, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, ये हम लेके आ गए यहाँ पे और यही पे हम लोग रहने वाले हैं। चलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, एक नया एडवेंचर की ओर निकले हैं। हम लोग को अच्छा लगता है आप लोग को देख के, जोश देख के लगता है कि कुछ युवा जो है कुछ अलग करने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।